क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द थ्रेशोल्ड एनर्जी, द थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH for an endorgic nuclear reaction of Q value. ऑप्शन ए है ETH equals to Q, ऑप्शन बी है ETH greater than Q, ऑप्शन सी है ETH less than Q और ऑप्शन डी है ETH less than equals to Q. बोले भाई क्या ऑप्शन आएगा? कल मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इंसिडेंट पार्टिकल. इंसिडेंट पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एंडोर्जिक या थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कहते हैं. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH फॉर एन एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ क्यू वैल्यू, क्या वैल्यू होगी इसकी बताना. हमारे पास ETH का जो फॉर्मूला आया था, वो था Q, यहां आया था 1 प्लस mx अपॉन कैपिटल mx. ये जो स्मॉल mx था ये था मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल और ये था मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. सीधी सी बात ये है कि ये यहां पर नहीं, कम कैसे होगा, ज्यादा होगा ना. सीधी सी बात ये है कि यहां एक से ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है ना. ये जो वैल्यू है यहां देखो एडिशन है, तो एडिशन है तो ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एक से, और एक से ज्यादा होगी एक मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, मॉड ऑफ क्यू में. तो सिंपल यहां से सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट पता लग रहा है ना कि ये वैल्यू होगी. बी ऑप्शन आएगा, बी सी कैसे आ सकता है, बी ऑप्शन आएगा ना. अगर लेस देन हो गया तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी ना, रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी. एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वैल्यू हमारी ETH होनी चाहिए. क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज बार्न वेयर ए 1 barn is equals to 10^-28 centimeter square b. 1 barn is equals to 10^-24 meter square option c. 1 barn equals to 10^-28 meter square or option d. 1 barn equals to 10^-26 सेंटीमीटर स्क्वायर. कौन सा आएगा? ये मैंने अभी बताया जस्ट, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, अभी जस्ट बताया गलत नहीं होना चाहिए. क्या ऑप्शन आएगा? सी आएगा ना इसमें, सी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कंट्रोल रोड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ
आर मेड ऑफ, ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, अभी बताया जस्ट। क्या ऑप्शन? कंट्रोल रॉड्स पूछ रहा हूं मैं, कंट्रोल रॉड्स ध्यान रखना, कंट्रोल रॉड्स। क्या ऑप्शन आएगा? सी आएगा, सी। ठीक है, सी कैडमियम, या फिर इसकी जगह अगर बोरोन होता तो बोरोन आंसर आता, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फोर, द न्यू इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, हैवी वाटर इज यूज्ड एज। ऑप्शन ए है मॉडरेटर, ऑप्शन बी है कूलेंट, ऑप्शन सी है फ्यूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज किस तरह से किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉडरेटर, ऑप्शन बी है कूलेंट, ऑप्शन सी है फ्यूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताओ क्या ऑप्शन आएगा? हैवी वाटर का यूज किस लिए किया जाता है? यहां दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, यहां ए भी बन रहा है और यहां पर बी भी बन रहा है, ये दोनों बन रहे हैं ना, हैवी वाटर भी बन रहा है और यहां पर भी हैवी वाटर बन रहा है, तो मॉडरेटर भी आ रहा है और कूलेंट भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, ए और बी दोनों ही आ रहे हैं इसके आंसर। तो यहां देखो हैवी वाटर मॉडरेटर में भी लिखा हुआ है और कूलेंट में भी लिखा हुआ है, दोनों आ रहे हैं ए और बी, पर यहां पर ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, है ना, तो उस केस में आप आंसर कौन सा लगा क्या होगे, आप ये वाला लगा क्या होगे। सही दोनों है ए बी और बी बी, परंतु यहां अगर ऑप्शन में ये होता कि बोथ ए एंड बी, तब आप पिक करते बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज आंसर नहीं लगाना है। तो अब दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है? मॉडरेटर, ए आंसर जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव में हमें बोला है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार, एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी है जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई, बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई और ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार इज ड्यू टू, स्टार्स जो है उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, कल भी हमने बात की थी ना, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगर हम बात करते हैं स्टार की तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। Joining of nuclei, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। कौन सी रिएक्शन हो गई है स्टार्स के अंदर? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज
टिपिकल एनर्जीज, रुको एक बार, बोहर व्हीलर्स, क्वेश्चन इज बोहर व्हीलर कंडीशन, बोहर्स व्हीलर कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फिजन इज ऑप्शन ए है जेड स्क्वायर अपॉन ए लेस देन 50, ऑप्शन बी है जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन 50, ऑप्शन सी है जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन 17.6 और ऑप्शन डी है जेड स्क्वायर अपॉन ए लेस देन 17.6। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा, कल मैंने बताया था ये बोहर व्हीलर का, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन 50। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, टिपिकल एनर्जीज रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए है 50 मेगावाट एंड 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, टिपिकल एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, और फिर पूछा है फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो फ्यूजन में हमने कल बात की थी कितनी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फ्यूजन में जो है वो कितनी होती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन लिख रहा है, डी ऑप्शन, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, फिर आप बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर 8, The principle of controlled chain reaction is used in ऑप्शन ए है एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, ऑप्शन बी है एटम बम, ऑप्शन सी है इन द कोर ऑफ द सन और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर, सेकंड इज एटम बम, थर्ड इज इन द कोर ऑफ द सन, फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9, अभी बताया था मैंने,
बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर नाइन इज फॉर इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन द क्यू वैल्यू। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट है क्यू ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन बी है क्यू लेस देन जीरो, ऑप्शन सी है क्यू इक्वल्स टू जीरो और ऑप्शन डी है क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कल मैंने आपको बताया था इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन इज दैट इन विच देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी में किसी तरह का लॉस नहीं हो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू में बताने क्या आएगी इसकी, क्या आएगी फिर वो अगेन रिपीट कर देता हूं। ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन द क्यू वैल्यू। एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू क्या होती है? एक्सोर्जिक मतलब एक्सोथर्मिक के लिए क्यू वैल्यू, क्यू ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन बी क्यू लेस देन जीरो, ऑप्शन सी क्यू इक्वल्स टू जीरो और ऑप्शन डी क्यू लेस देन इक्वल्स टू जीरो। बोले भाई एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू ग्रेटर देन जीरो, क्यू लेस देन जीरो, क्यू इक्वल्स टू जीरो और क्यू लेस देन इक्वल्स टू जीरो। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एंडोर्जिक का मतलब होता है एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन ए वो ऑप्शन दिया है क्यू ग्रेटर देन जीरो, बी ऑप्शन है क्यू लेस देन जीरो, सी ऑप्शन है क्यू इक्वल्स टू जीरो और डी ऑप्शन है क्यू लेस देन इक्वल्स टू जीरो। एंडोर्जिक मतलब एंडोथर्मिक, क्या ऑप्शन आएगा? एंडोथर्मिक।